तो चलेगा इस वीडियो में, जो कि हम जानेंगे कैसे जो YouTube थंबनेल क्रिएट करना है बिना फोटोशॉप यूज किए। जो कि मैं आपको एक कैनवा का यूज करके जो आपको जो कि बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे जो कि आपको प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखो इसके पहले वीडियो में जो कि मैंने जो कि आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया है, एक ट्यूटोरियल बना के दिया है कैनवा का। अगर आपको कैनवा के बारे में नहीं नॉलेज है, आपको डिजाइनिंग नहीं आती है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें जो कि पूरा जो कैनवा का जो फंक्शनलिटी होती है ना, A to Z कैसे जो है कि मतलब वर्क करता है वो, कैसे जो है कि मतलब जो भी जो है कि एक प्रोफेशनल लुक कैसे आप डिजाइन को देख सकते हो, वो जो है कि मैंने उस वीडियो में जो है कि मैंने बताया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा कि थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, मतलब कैसे प्रोफेशनल थंबनेल जो है क्रिएट करना है उसके बारे में जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो जैसे आप जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि बहुत सारे मैंने जो कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए कितने सारे कितने प्रोफेशनल जो कि थंबनेल मैंने क्रिएट किया है अपने दोनों चैनल के लिए, मतलब एडुकेशन वाले के लिए भी और मार्केटिंग वाले जो आप देख रहे हैं इसके अभी। तो ऐसे ही प्रोफेशनल थंबनेल आप कैसे क्रिएट करोगे इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊं। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिस इज आमिर, सोशल मीडिया मार्केटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं जो है कि आपको प्रॉपर वे से बताऊंगा कैसे जो है कि आपको जो है कि एक प्रोफेशनल लुक देना है अपने डिजाइन में, मतलब अपने थंबनेल में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चले जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिएगा जी, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो कि एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, इसके लिए हम चलते हैं अपने कैनवा पे जो ओपन करते हैं ना। तो देखो जो कि मैंने पहले से ओपन किया, आपको क्या करना है कि आप कैनवा यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और जो कैनवा आप यूज नहीं करते हो तो आप सिंपली जो है यहाँ से सर्च करके है ना, आपको यहाँ पे सर्च करके कैनवा सर्च करके आप जो है कि इसको ओपन कर सकते हो ना। तो जब आप ओपन करोगे ना तो ये जो है कि मतलब खुल गया है आपका। सबसे पहले आपको जो है ना एक मतलब आपने कोई भी ईमेल आईडी से जो कि आपको एक रिस्टार्ट करना पड़ेगा अकाउंट इसके लिए, ठीक है ना। और फिर जब ये डेस्कटॉप खुल गया है फिर क्या करना है आपको, आपको जो है कि सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है यहाँ पे। अब देखो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि इसके पहले वीडियो में ना मैंने जो है कि एक प्रॉपर कैनवा का ट्यूटोरियल बनाया है ना, मतलब इस कैनवा से क्या चीज़ें बन सकती है, और उसमें मैंने करके दिखाया भी है जो भी उसकी फंक्शनलिटी है ना इसकी, इस फंक्शनलिटी को मैंने जो उसमें बताया है कौन से जो टूल्स है इसके बीच में जो भी फीचर्स हैं, जो भी फंक्शन है वो कैसे वर्क करते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसको मैं जो कि आइकन में लगा दूंगा या फिर जो कि डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यूट्यूब सामने जो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सर्च करना है आपको, जो कि साइज देना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब और थंबनेल। ठीक है, तो ये सर्च करेंगे तो अभी ये आएगा। अभी देखिए जो साइज आ गया यूट्यूब चैनल का 280x720, इस पर आपको क्लिक करना है, राइट। इस पर क्लिक करना है, ये जो क्लिक होकर आपको ओपन हो जाएगा। देखो जो ये खुल के आएगा आपका है ना, जब आप जो यूट्यूब चैनल का क्लिक करोगे तो ये जगह आएगा। अब देखो इसमें से बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया होगा आपको जो है ना, मतलब थंबनेल बना करके, ठीक है। लेकिन हमें ये सब यूज नहीं करना, हमें पूरा स्क्रीन से बनाना है प्रोफेशनल। तो मैं ये जो ब्लैंक दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा, राइट। तो देखो ये जो कि फाइनली जो हमारा ओपन हो गया है ना। अब क्या करना है आपको जो है ना, ये जो है कि ब्लैंक पेज है ना, इस पर जो कि हमें डिज़ाइन क्रिएट करनी है ना, यूट्यूब चैनल बनाना है इसी पे। तो देखो जो हम क्या करें, बैकग्राउंड है कोई है ना, या फिर आप कलर भी कोई सेलेक्ट कर सकते हो ना, इसको जो कि आप सेलेक्ट करके है ना, इस पर जो कि आप जो क्लिक करोगे ना आप इस पर, तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे आप जो भी कलर लेना हो, रेड लेना हो तो रेड ले सकते हो, या फिर जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखो जो भी जो है ना, अब देखो जो भी जो है कि आपका चैनल होगा जिस बारे में होगा, तो आपका कोई ना कोई एक ब्रांड कलर जरूर होगा ना, तो आपको उसी हिसाब से अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो भी आप ले सकते हो अपने ब्रांड, जो भी आपका ब्रांड है ना उस हिसाब से लेगी है ना, कम से कम एक ब्रांड कलर होना चाहिए। आपका किसी भी चीज़ का चैनल हो ना, यूट्यूब चैनल किसी का भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, आपका एक जो है ना ब्रांड कलर जरूर होना चाहिए, ठीक है। कम से कम जो है कि एक तो होना ही चाहिए, मतलब ऐसे तो कलर तो दो होने चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन आपको जो है ना ब्रांड कलर एक जरूर रखना है। तो मेरा जो ब्रांड कलर है वो येलो है, ठीक है ना, येलो और ब्लैक मैं ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कलर वगैरह, या फिर ये कि आप बैकग्राउंड यहाँ से ले सकते हैं, बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, राइट। तो इस पर जो है कि जो भी यहाँ से आप बैकग्राउंड लेना चाहें तो आप ले सकते हो, ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ बैकग्राउंड मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से ले सकते हो है ना, जैसा भी कलर है यहाँ पर सर्च करके आप जो भी ग्रीन येल्लो ग्रीन मतलब जो भी यहाँ पे कलर है, जो भी आपको कलर लेना है यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने रिसेंट में ज़्यादा यूज करता हूँ, मैं ग्रे यूज करता हूँ या ब्लैक यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे यही कलर यूज कर रहा हूँ ना, जो कि रिसेंटली मैंने यूज़ किया इसको, ठीक है। तो ये देखिए मैं यूज़ कर इसमें क्या कलर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया मैं ग्राउंड, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे लिखना है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह, तो टेक्स्ट से पहले मैं क्या करता हूँ, जो इमेज लगाना है अपना, जो भी मैं अपना इमेज लगाऊंगा यहाँ पे उसको यहाँ पे लूंगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपलोड पे।
देखो मैंने जो पहले से इमेज यहाँ पे इमेज जो है ना मतलब इसकी बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे मैंने इमेज अपलोड किया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड वीडियो क्लिक करके कोई भी जो ना जो भी आपके डिवाइस में जो भी पीसी में अगर आपका इमेज हो वहाँ पे ला सकते हैं। देखो ये मैंने इमेज लिया है ना, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। इसी इमेज को मतलब इसी फोटो को मुझे लगाना है अपने इस पर यूट्यूब चैनल पर, राइट। देखो आप जो है ना पहले से जो भी आप जो है ना मतलब अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो ना तो आप जो है ना बहुत सारे अपना एक मतलब सीरीज या फोटो जो है ना क्लिक करवा के कई सारे एक्सप्रेशन का उसको देखे रख लो ना, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके। अब देखो ये जो है ना बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जाएगी एक टूल्स आता है जिसको बोलते हैं रिमूव बेजी डॉट कॉम है ना। जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे रिमूव जी है ना ये वाला जो है रिमूव डॉट बेजी, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये जो है कि आपकी वेबसाइट है ना, ये जो है कि मतलब कोई भी इमेज जो है कि आप उसके बैकग्राउंड अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे इमेज क्लिक करोगे जो भी इमेज है कि अगर जिसके बैकग्राउंड अगर जिसकी भी बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करना चाहते हो उस इमेज को यहाँ अपलोड करोगे और फिर जैसे अपलोड हो जाएगा फिर उसको देखिए आप मतलब वो इमेज का जो बैकग्राउंड अगर रिमूव हो जाएगा आप तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही मैंने ये किया, राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने इस इमेज को मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ सही से, ये मैंने ईमेल लगा दिया मतलब मेरा जो फोटो है वो लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे ना मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे ना यहाँ पे लिखना है क्या, जैसे मान लो जो मेरा थंबनेल आपने देखा होगा इस वीडियो का वही थंबनेल मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मैं जैसे यहाँ से कोई ना शेप ले रहा हूँ ना, एलिमेंट ले रहा हूँ ना, तो एलिमेंट यहाँ से ले रहा हूँ जैसे कि आप मान लो ये जो कि मैं क्या कर रहा हूँ इस पर ये वाला शेप ले रहा हूँ ना स्क्वायर वाला, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो कि जाएगा ऐसे मतलब इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ मैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे, ठीक है। ये वैसा ही देंगे यहाँ से थोड़ा सा सही से ले, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है ना। ये लिए मैंने थोड़ा सा इसको छोटा, ठीक है, ये मैं ले लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ येल्लो, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी कलर है वो येलो ही है, तो मैं यहाँ से जो ले रहा हूँ येलो, तो मैं यहाँ से जो येलो कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया येलो कलर, इसको मैं पीछे कर रहा हूँ, राइट। इसमें पीछे इस पर क्लिक किया, क्लिक करके जाऊँगा पोजीशन पे, ये पोजीशन जाकर मैं इसको बैकवर्ड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये इमेज के आगे आ रहा था, अब ये पीछे हो गया, ठीक है, ये सही हो गया। अब देखो यहाँ मैं लिखूँगा क्या, यहाँ मैं लिखता हूँ हाउ टू, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट क्लिक करके इसको ऐड ए हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट मेरा आएगा। तो देखो लिखता हूँ मैं क्या, हाउ टू, हाउ टू इसको कैपिटल में लिखूँगा, कैपिटल पर क्लिक करूँगा और ये हो जाएगा हाउ टू क्रिएट, राइट। ये मैंने देख टेक्स्ट में लिख दिया हाउ टू क्रिएट, इसको मैं ले जाकर वहाँ पे फिक्स करूँगा, राइट। इसको मैं यहाँ पे ले जाकर फिक्स करूँगा, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, थोड़ा मिनट स्लो चलो, ठीक है ना। इसको देखिए मैं बड़ा करता हूँ और थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये हो गया, राइट। अब देखो क्या करना है, हमको क्या करना है, इस पर क्लिक कर, ये तो देख सकते हैं ना, इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ब्लैक, क्योंकि व्हाइट जो कि दिखेगा नहीं, लेकिन हमें ब्लैक करना है, देखो आप थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने कर दिया हाउ टू क्रिएट, राइट। अब क्या करना है, अब जो कि हमें लिखना है किसका थंबनेल बनाना है, यूट्यूब का। तो हमें क्या करना है, जाना है एलिमेंट पे, राइट, एलिमेंट पे जाना है। अब देखो मैंने जो है ना इस यूट्यूब का लोगो मैंने कई बार यूज़ कर चुका है तो पहले ही आ रहा है ना, रिसेंटली मैंने किया था इसका। अब देखो आपको जो है ना यहाँ पे जो भी लोगो चाहिए ना, जिस भी है कि सोशल मीडिया का, तो आप यहाँ पे सर्च करके उस लोगो को पा सकते हो। यहाँ पे जो भी इंस्टाग्राम का चाहिए, फेसबुक का चाहिए, तो आप यहाँ सर्च करोगे तो बहुत सारे उसके लोगो जो भी आइकन वगैरह वो यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो मैंने रिसेंटली यूज़ किया था तो इसमें क्लिक करूँगा और ये जो है कि मैं यहाँ पे आ जाएगी लोगो मेरा ना यूट्यूब का, राइट। ये आ गया, मैं क्या करता हूँ उसको जो है कि कंप्रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसको मैं जो है कि सिलेक्ट करके यहाँ ला रहा हूँ, राइट, यहाँ पर मैं लाया,
ठीक है ना, यहाँ पे लाया। अब देखो यहाँ पे ला करके मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं लिखूँगा क्या यूट्यूब, ठीक है, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब था ना, मैं लिखूँगा यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब लिखूँगा, मतलब ले लिया, ठीक है, और फिर इसको देखिए मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है, ये यहाँ पे तो इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, तो इसको बड़ा करते हैं ऐसे, ये मेरा यूट्यूब आ गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, बस इसको और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ये करते हैं, थोड़ा सा राइट और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया यूट्यूब, ठीक है, हमने यूट्यूब लिया। अब देखो नीचे जाना हमें क्या क्लिक करना है, नीचे लिखना है थंबनेल, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब है, नीचे लिखना है थंबनेल लिखना है, अब बस सिंपल इसको थोड़ा सा नीचे करना, बस ये रहेगा, यहाँ पर से करते हैं यूट्यूब लिया मैंने, अब यहाँ पर नीचे लिखने क्या थंबनेल लिखना है, एक काम करो इस थोड़ा सा लोगों को छोटा करो, ठीक है, और इस यूट्यूब को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, तो ये जो ऊपर हो गया हमारा यूट्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा यूट्यूब का लोगो और यूट्यूब लिखा हुआ जो मैंने लिखा, ठीक है, अब नीचे हमको लिखना है थंबनेल, बस वैसे ही हेडिंग पर क्लिक करो, ऐड हेडिंग पर, तो ये जो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा लिखो थंबनेल, तो ये थंबनेल हो जाएगा थंबनेल, राइट, ठीक है, थंबनेल हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको ड्रैग करके इसके नीचे लाओ, देखो अब इसके नीचे लाओ ना ऐसे, थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना इसको थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो टी रखूँगा इसके साइड में, और जो थंबनेल लिखूँगा थोड़ा सा बड़ा लिखूँगा यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगेगा, इसको बिल्कुल जहाँ तक यूट्यूब लिखा है वहाँ तक लिखूँगा मैं, ठीक है, तो ये जो कि हमारा हो गया थंबनेल, ठीक है, तो ये हो गया यूट्यूब थंबनेल, राइट, क्लियर है ना, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल हो गया। देखो जैसा भी आपको ना सेटिंग करना है, मतलब जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो, राइट, ठीक है, तो ये हो गया, सही लग रहा है आपको, हमारा हो गया क्या हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, ठीक है ना, हमने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है, अब देखो नीचे जाना हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल लाइक ए प्रो, है ना, मतलब प्रोफेशनल की ग्राम जो की क्रिएट करने के साथ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ना कुछ सेव, अब देखो यहाँ पे कुछ सेव हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो कि हेमन पर क्लिक करके ये मैंने लाइन ले लिया है ना, तो लाइन जो है कि रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन मैंने लिया यहाँ पे, तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं पतला करता हूँ, ज़्यादा मोटी लाइन नहीं ले रहा है, तो ये मैंने पता है नहीं, फिर इसको थोड़ा सा ट्रैक करके हम इमेजेस को इधर लगे आएंगे, ठीक है, अब देखो मैं लाइन को यहाँ तक लिया है, लेकिन अब देखो इतना ये लाइन जो है ना हमारे फोटो को आ गई, जिसको मैं इस पर क्लिक करके पोजिशन पर क्लिक करूँगा और जाऊँगा बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड लेके चला गया मैंने इस लाइन को, इस पर क्लिक करूँगा तो ये बैकवर्ड चला गया। अब देखो इसको जो है इसका जो है कि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आप कलर जो है ना रख रहा हूँ मैं येल्लो ही रख रहा हूँ, ठीक है, येल्लो में रख दिया, ठीक है ना, ओके, अब नीचे में लिख रहा हूँ क्या हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल लाइक ए प्रो, है ना, लाइक ए प्रो लिख रहा हूँ मैं, तो लाइक ए प्रो जो है ना मैं लिख रहा हूँ इसमें ग्लो वाले, ठीक है, ग्लो पे क्लिक करूँगा और जो इसका जो फॉन्ट है वो मैं ग्लो ले रहा हूँ, है ना, तो इसको देखो इस पर क्लिक करके इसको मैं बाय कर रहा हूँ, लाइक बाय बाय करके लाइक ए प्रो लिख रहा हूँ, लाइक ए प्रो, ठीक है, इसके लिए लेंथ है मैं इसको साइज छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा छोटा मैंने पड़ी है कि नीचे ना नीचे आ गया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अब देखो ये जाना जो बड़ा किया हमने तो इसके जो मतलब जो कलर है वो जाना मतलब कैसा है कुछ मतलब पिंक कलर है ना, तो इसका कलर पिंक कलर, तो हम पिंक कलर थोड़ा सा यहाँ सेट नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कलर को हम चेंज करेंगे, तो इसका कलर हम कर दे रहे हैं क्या, इसका कलर कर दे रहे हैं हम कि वाइट कर दे रहे हैं, राइट, वाइट है जो भी देखो जितना आपके अंदर क्रिएटिविटी है वैसा कर देते, मान लो मैंने वाइट ही कर दिया, ठीक है, तो वाइट कर दिया तो लाइक इतनी हो गई, अब वो बात करते हैं हम एक काम करते, इसका जो कलर है ना वो जो है कि मैं येल्लो ही रखता हूँ, ठीक है, इसका कलर जो मैं येल्लो रख रहा हूँ, ठीक है, और ये जो लाइन है ना इस लाइन का मैं जो क्लिक करके
और कर रहा हूँ क्या, डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेट पेज पे यहाँ पे ना आप यहाँ से आप डुप्लीकेट बना सकते हो क्लिक करके, ठीक है। तो ये देखिए मैं बना दिया डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये देखो मैंने डुप्लीकेट बना दिया, तो ऐसे लेना है, इसको क्लियर करना है, राइट। तो ये डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसको कर देना है बैक। तो बैक कर दिया, तो बैकआउट हो गया ना, तो बैकआउट हो गया, तो ये चला गया पीछे, ठीक है ना, पीछे क्लिक करूँगा तो गया पीछे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया थंबनेल, ठीक है, लग रहा है अच्छा, ओके, ये लग रहा है हमारा जो थंबनेल। अब देखो कुछ आप ज़्यादा चाहो तो यहाँ से कुछ, जैसे मान लो ये थंबनेल है ना, इस थंबनेल को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, स्केलिंग जैसे इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कर लो ना, और चाहो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगा दो, इसको येलो कर दो, राइट, येलो कर लो है ना। और इसको कर दो आप जो है क्या, इसको कर दो आप जो है कि वाइट कर दो, राइट, इसको आप वाइट कर दो और इसको भी आप वाइट कर दो, ठीक है, इसको वाइट कर दो, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये देखो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, लग रहा है ना प्रोफेशनल, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल लग रहा है। और इसके बाद देखो अभी यहाँ पर गैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो आप चाहो तो ना इस जो शेप हमने लिया है ना, ये वाला ये शेप लिया है, इसको जो है आप चाहो थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा नीचे कर, ज़्यादा नीचे नहीं, इतना नीचे कर सकते, इतना नीचे कर लो, ठीक है। और इसकी जो साइज है थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, और थोड़ा सा इसको मॉडल ले लो, थोड़ा सा मॉडल ले लो, ठीक है, बस ये हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लगे और देखो थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है, लग रहा है ना प्रोफेशनल। अब देखो यहाँ पे नीचे जो है ना, ये जो बड़ी बड़ी है वो हिंदी में है ना, आप चाहो तो यहाँ से ना यहाँ पे लिख सकते हो आप जो है कि जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने टेस्ट ले लिया सब हेडिंग है ना, यहाँ पे लिख दिया मैं, और इस सेलेक्ट होने लिख दिया यहाँ पे मैं इन हिंदी, इन इन लिख करके यहाँ पे लिखा क्या हिंदी, ठीक है, ये मैं लिख दिया क्या हिंदी, तो इसको यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लेकर के मैं रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैं यहाँ ला दिया ये हो गया इन हिंदी, इसको मैं सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको करता हूँ कंट्रोल ए, और फिर मैं करता हूँ क्या बोल, ठीक है, तो ये हो गया बोल हमारा, है ना। तो ये जो कि हमारा इन हिंदी में लिख दिया, ताकि वो लोगों को लगे हाँ ये जो वीडियो है वो हिंदी में, लेकिन थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो मैं थोड़ा सा एरो बिल्ड कर दूँगा, एरो पे क्लिक करके, है ना, एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं कुछ जैसे कि कुछ शेप ले रहा हूँ मैं, जो कि रिसेंट मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, सर्च वीडियो भी चाहिए ना आप सर्च करोगे, तो अगर वो शेप में होगा तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि वैसे रिसेंट यूज़ किया हूँ, तो इसको मैं ले लेना, इस पर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा मेरा फेवरेट है, इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये मैं ले ले रहा हूँ, उस पर क्लिक करके, ठीक है, जाके मेरा बस इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके थोड़ा छोटा करना है, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। अब फिर इसको करना है सेलेक्ट, मतलब ड्रैग करके यहाँ लाना है, यहाँ लाया, ठीक है, ये मैं यहाँ ला दिया, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मुझे छोटा होगा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, ठीक है, इतना भी, तो ये थोड़ा सा ड्रैग करना है, मैं ला रहा हूँ, इसको करना है मैं इसको इस तरह से, देखो इसका जो कलर है ना मैं रख लूँ क्या येलो, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए कि वाइट में है, तो ये येलो रख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी मैंने वाइट में लिखा है, तो इसको मैं येलो रख रहा हूँ। और इसका जो कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा, कुछ इसका ब्लैक ले जा रहा है उसको, ठीक है, तो इसको लेके मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, तो ये मेरा बन गया, ठीक है, ओके, देखो लग रहा है ना प्रोफेशनल थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, इसको चाहोगे इस लिखावट को जो मैंने लिखा है हिंदी, इस टेक्स्ट के जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, तो सही रहेगा, और बड़ा कर दो, ठीक है, बस इतना रख लिया, ठीक है ना, फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, और हिंदी में लिख दिया है, थोड़ा सा सही लगेगा, राइट, ओके जी, ठीक है, ये जो कि ऐसे जाए, तो ये आपको जो है कि प्रोफेशनल थंबनेल जो है कि बन गया, ठीक है, लगा ना प्रोफेशनल। तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, देखो यही थंबनेल मैं यूज करूंगा इस वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो गाइस ऐसे जो है कि आप जो है कि प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं कैनवा का यूज करके, अगर जाके आपको डिजाइनिंग नहीं आती, आपको फोटोशॉप यूज करना नहीं आता है, तो आप जो है कि बहुत ही बेहतरीन जो है कि मतलब डिजाइन क्रिएट कर सकते हो इस
कैनवा का यूज करके, ठीक है ना। अब देखो थंबनेल नहीं बल्कि जो है कि आप एक बहुत ही सोशल मीडिया पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो अट्रैक्टिव, मतलब अब चैनल जो आर्ट होते हैं, चैनल का आर्ट होता है ना, फेसबुक कवर पेज होते हैं, लोगो होता है, आप जो है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कि आप जो है कि चीजें जो है कि आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हालांकि जो है कि आप जो है ना एनिमेशन वीडियो भी जो है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो ये वीडियो, तो इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि थंबनेल कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए कि मतलब कैनवा के बारे में, तो मैंने प्रॉपर वैसे 1 घंटा का मैंने ट्यूटोरियल बनाया है कैनवा पे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर ये आपको वीडियो जो कि हेल्पफुल लगी होगा, आपको वीडियो जो कि यूजफुल लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि देखो इस चैनल पर देख मैं सोशल मीडिया से जितने भी टिप्स होती हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, उसको मैं शेयर करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, राइट। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर मैं जो है कि बहुत सारे टूल्स के बारे में, बहुत सारे टिप्स वगैरह देता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।